हम दुखी हैं और आप खुशियां मना रही हैं। कमाल है, आप अपने ही बेटे की शादी में दुखी हैं? हाँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये शादी होने से मेरे बेटे का, मेरे आदी का और इमली का प्यार अधूरा रह गया। और आपने जो ये शादी करवाई है ना, इसी की वजह से आपकी बेटी को भी कभी प्यार नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। So big goddamn deal. अगर आपको इस नौकरानी के लिए इतना दुख हो रहा है ना, तो आप दुखी रहिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। I am very very happy. क्योंकि इस नौकरानी और इसकी माँ ने जो हम माँ बेटी के साथ किया है ना, आज उसी की सजा इसे मिल रही है। क्या हुआ का? तू रो रही है? आदित्य और मालिनी की शादी देखकर तुझे रोना आ रहा है? अरे अभी तो मैंने इनका हनीमून प्लान किया है। तब तो तू रो रो के पार्टियां ही भर देगी। कम ऑन लड़की, तेरी माँ ने भी अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। वो तुझे भी जिल्लत भरी जिंदगी जीना सिखा ही देगी। श्योर, तेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी जैसी औरतों की किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। तुम्हें अपना प्यार वापस चाहिए। ये लो, इसकी ना कोई आत्मा है, ना कोई शरीर है, ना इसमें कोई जान है, ना इसकी कोई पहचान है। तुम्हारा प्यार तो हवा की तरह था। लो, तुम्हें सूद समेत वापस कर दिया। तुम्हारी मंजिल यहां नहीं, इस घर के बाहर की तरफ है एमली। तुम्हारी लाइफ का टफेस्ट प्रोजेक्ट आज खत्म हुआ एमली। इट्स टाइम टू पैक अप एंड लीव। हमका बस थोड़ा सा रोना है। तुम्हीं ने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ एक रात के लिए खुद को रोने की और कमजोर पड़ने की परमिशन दे रही हो। सिर्फ एक रात के खाते, सिर्फ थोड़ी देर के खाते हमका कमजोर पड़े। और मैंने कहा था कि उस रात के बाद तुम कभी खुद को ये परमिशन नहीं दोगी। कल सुबह के पहले किरण के बाद से तुम अपने आप को कभी कमजोर होने की परमिशन नहीं दोगी। यही हमारी डील थी, राइट? तो आज तुम कमजोर कैसे पड़ सकती हो एमली? हिम्मत कैसे हार सकती हो?
When you look at me, ask your team to back up. I'll see you there. आदित्य, आई नो आप आपके मन में अभी कुछ और चल रहा है। मैं बस इतना पूछने आई थी कि ये सामान मैं कहाँ रखूं? जहाँ आपको सही लगे वहां रख लीजिए। इस अलमारी में, इस कमरे में, इस घर में हम आपको कितनी भी जगह बना के दे सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी हमारी जिंदगी में आपको जगह नहीं दे पाएंगे। मैं तो पहले ही 7 जन्म आपके नाम कर चुकी हूँ। एक बार नहीं, 2 बार। 7 साल के रिश्ते में प्यार हो ना हो, अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। मैं आपकी हर छोटी बड़ी मजबूरी समझती हूँ, सो डोंट वरी। आपको जब तक अपने दिल से मजबूरी निभानी है, आप निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, आपका साथ निभाऊंगी। अब क्या करेंगे हम त्रिपाठी जी? अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे उनके लिए? कैसे संभालेंगे? अपर्णा जी, सॉरी अपर्णा जी, आपके बेटे और इमली की शादी टूटने का अफसोस मुझे पहले से था, पर यकीन मानिए आप लोग, मुझे ये नहीं पता था कि उन दोनों के बीच गलतफहमी की वजह मेरा आरू है। तो हो सके तो आप लोग मुझे और अरुण को माफ कर दीजिए। क्या कर रही हैं आप? ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा नहीं है। सॉरी आंटी, हमें कोई आइडिया नहीं था, वरना आपको आइडिया तब होता है जब ऐसा कुछ सच में होता। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जो हुआ ना उसमें आपकी कोई गलती थी ना आर्यन जी की। रुपी बिल्कुल ठीक कह रही है नर्मदा जी, इसमें दोष किसी का नहीं है, बस हमारी किस्मत ने हमारा साथ दी थी। अब ना मालिनी को वो प्यार मिल पाएगा जो वो चाहती, ना आदि को और ना ही शिवली को। मेरी बस आपसे एक विनती है नर्मदा जी, इतने वक्त से इमली से गुस्सा रहकर जो प्यार मैं उससे नहीं दे पाई, आप दीजिएगा। शादी तो मेरे बेटे की हुई है, लेकिन दिल ऐसे रो रहा है जैसे मैं अपनी बेटी को भी ना। प्लीज प्लीज आप ऐसे मत कहिए ना, आप ऐसी माँ है जो अपनी बेटी को विदा कर दे और वो लौट कर मिल लेना है, और ना ही इमली ऐसी बेटी। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका ख्याल रखने की, पर एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ आज। आप लोगों की इमली है बहुत स्ट्रॉन्ग, इमली स्ट्रॉन्ग है काहे क्योंकि हिम्मत आप है। लोगन से नाता टूट सकते है,
कीमत सुनाई। Hey you! तू अभी तक यही खड़ी है? अब तो तू ना इस घर की बहू है, ना नौकरानी और ना ही रिपोर्टर। एक हैरात ले और निकल यहां से। अब तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो आपका भी यहाँ कोनो काम नहीं है इंग्लिश मैडम, फिर भी आप बार बार हमारी फैमिली के नाक में दम करे खातिर यहाँ टपक जाते हैं बिना याद किए। ऐसे नहीं, हम भी टपक पड़े हैं जब भी आप हमका याद करें। ये देखो कैसे ना सुबह आवत है, जैसे हमारी विदाई होते हैं। अरे हम विदा नहीं होते हैं, बस एक नई उड़ान भरे खातिर चिड़ैया घोंसला छोड़े थे। हंसकर आशीर्वाद दीजिए। तुम लोगों की तकलीफ मिटाने के लिए जीती हो एमली, आदित्य कुमार त्रिपाठी लोगों को तकलीफ देने के लिए। तुम दोनों के साथ रहना हमेशा से ही मुश्किल था। उस आदमी के लिए मालिनी चतुर्वेदी ही ठीक है, एटलीस्ट वो उसके जैसी डिस्कस्टिंग तो है। Time to leave Emily. Team car load कर चुकी है। माँ, दीदी, आप लोग कार में बैठिए। Emily और मैं आ रहे हैं। आप पूरे परिवार का ख्याल रखिए। तुम ना हमसे डांट डपट के बात किया करो, ऐसा हको मत है और बातों में नरमी, लेकिन हम कहीं कमजोर ना पड़ जाए। तो पड़ जाओ कमजोर, मैं तुम्हें कमजोर पड़ने से सिर्फ इसलिए रोकता था क्योंकि इमोशंस तुम्हारे काम में इंटरफेयर करते थे। तुम्हारा आज का काम खत्म हो चुका है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर कर लिया तुमने। कल सुबह 9 बजे तक तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, सो आराम से। कमजोर पड़ना है तो पढ़ सकती हो, रोना है तो रो सकती हो तुम। ये आंसू है हमरे, म्युनिसिपैलिटी का नल नहीं है कि बखत देख के बह जाइए। और उनका वैसन भी अभी सब कुछ पैकअप करे क्या, तो तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम रो सकती हो। कैसन बैल बुद्धि से पाला पड़ गवाई लहंगा है ना, तुम तुम्हारे ऑर्डर पे आया, पर अब काम रे इमोशन भी तुम्हारे ऑर्डर से आए जाए वाले हैं। कबो कहो तो मत रो, कबो कहो तो रो ले, और हमका रोना नहीं आता है भाई। झूठ कह रहे हो तुम, झूठ। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम रोना चाहती हो,
तुम्हारी आंखों में ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा कितनी दर्द में हो तुम। तो काम अकेले ही दर्द मचिए थे तो हर दर्द का कौन से कम है? क्या कहा तुमने? हमका साफ दिक्कत है कि तुम जो हमका सलाह दे तो ना कोनो किताब से पढ़कर नहीं दे तो अपन तजुर्बे से दे तो साफ दिक्कत है कि तो का हर चीज फील होता है बस अपन चेहरे पे दिखे नहीं दे तो साफ दिक्कत है कि अकड़ वके वाला रूप ना तो हर सच नहीं है तो हर ढाल है तुमका भी दर्द होता है पर तुम बस हमरी तरह हर बात पे आंसू नहीं बहा दे तो क्या तुम मुझ जैसा बनना चाहती हो? पत्थर दिल बेदर्द बेरहम बिना फीलिंग्स के जीने वाला इंसान। हाँ तुरे जैसे बनने के चाहत तजुर्बेकार सफल ताकतवर बिना झिझक के जिए वाला इंसान बिना झिझक के आगे बढ़े वाला इंसान तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है तो सिर्फ हिम्मत रखना सीखो अपनी फीलिंग्स को दबाकर अपने इमोशंस को छुपाकर जीना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है जो तुम महसूस करती हो दुनिया के सामने लाना तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता यही तुम्हारे काम में तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी खासियत है जो तुम फील करती हो उसे एक्सप्रेस करो इसलिए स्टॉप टेक अ ब्रेक रो सकती हो तो रो लो जो इंसान थोड़ी देर रुकता है वो आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाता है और जो हम ज्यादा देर तक रुक जाए वो पीछे रह जाता है हमारे पास बेस खरे खातर बिल्कुल बखत नहीं है खुद का अम्बा का सर ऊंचा करे क्या सीता मैं की तरह सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े क्या बाबू साहब के खातर ना तो अब रोए क्या ना हम कामरी सीता मैया की सौगंध है बाबू साहब के खातिर हमारी आंख से गिराई आखिरी आंसू है आज इमली अपन आंसू का अंतिम संस्कार कर रहे थे हाथ से हम मजबूत इमली हैं मजबूर नहीं मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को